देखो इसमें क्या क्या आएगा, जो ओशन करंट्स है वो कैसे होता है, जैसे नदी चलती है ना बिल्कुल उसी तरीके से ओशन करंट्स भी होते हैं, यानी बहुत सारा पानी पर्टिकुलर एक ही दिशा में बह रहा है, बहुत सारा पानी एक ही दिशा में बह रहा है, उसको कहते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, बहुत सारा पानी एक ही दिशा में बहे उसको कहेंगे ओशन करंट्स, और कोई तो फोर्स होगा ना, कोई तो बल होगा जो इस पानी को बहला रहा है, जो इस पानी को बहा रहा है ना, कोई तो फोर्स होगा। तो जब बहुत सारा पानी एक ही दिशा में बहे, एक पर्टिकुलर दिशा में बहे, एक फिक्स डेफिनेट पैटर्न में पर्टिकुलर दिशा में बहे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओशन करंट्स कहेंगे, उसे हम महासागरीय धाराएं कहेंगे। ठीक है, एक तो ये। अब जो फोर्स है वो कौन से हैं जो इसको पानी को चला रहे हैं, दो तरीके के फोर्स हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी फोर्स, क्या कहते हैं, प्राइमरी फोर्स, प्राथमिक बल, और एक है सेकेंडरी फोर्स, द्वितीय बल। सेकेंडरी फोर्स, सुषमा इसके अंदर ना 5 क्लासेस और होंगे, आप यूं मान के चलो 5 क्लासेस और होंगे। ठीक है, और होता है सेकेंडरी फोर्स यानी कि द्वितीय बल। प्राइमरी फोर्स क्या होता है, प्राथमिक बल क्या होता है, मतलब पहला बल वो कौन सा है जो इस पानी के ऊपर बल लगा रहा है, ये है आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी जो सोलर एनर्जी है। अब क्या होता है, जैसे ये महासागर है, ठीक है, महासागर है, ऊपर सूर्य है, सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य इस पानी को गर्म कर रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, इस पानी को गर्म कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा, पानी को एक एनर्जी मिल रही है, पानी को एक बल मिल रहा है, ये सोलर एनर्जी उस ओशन करंट्स को बहने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी फोर्स क्या होता है, टेम्परेचर, यानी कि जो पानी ठंडा होगा, जो इस बात को हमेशा याद रखोगे, जो पानी ठंडा होगा वो हमेशा भारी होगा, जो पानी ठंडा होगा वो हमेशा भारी होगा। ठीक है, और वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, और जो पानी गर्म होगा, जो पानी गर्म होगा वो हल्का होगा हमेशा, और वो ऊपर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो जो ठंडा पानी है वो आपको कहाँ मिलेगा, जो पानी ठंडा है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको पोल्स के पास मिलेगा, वो आपको ध्रुवों के पास मिलेगा, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स, हमारे ध्रुव जो है, वो जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे ध्रुवों पे हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, गर्म पानी सरफेस पर मिलेगा। अब हाँ जी सिमरनजीत, तो अब तुम यूं देखो, ठंडा पानी कहाँ है, ठंडा पानी या तो यहां मिलेगा आपको कहीं, या यहां मिलेगा, और गर्म पानी कहाँ मिलेगा, वो इक्वेटर के पास मिलेगा। तो क्या होता है, ठंडा पानी गर्म पानी में मिलने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कोल्ड वाटर है वो नीचे इक्वेटर की तरफ आएगा। ठीक है, और जो हॉट वाटर है वो ठंडा होने के लिए ऊपर नॉर्थ, इधर पोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, वो पोल्स की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से इस टेम्परेचर की वजह से जो पानी है उसमें मूवमेंट बनती है, जो पानी है उसमें मूवमेंट बनती है, यानी जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएगा, और जो गर्म पानी है वो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएगा, जो गर्म पानी है वो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये गर्म और ठंडे का तापमान का डिफरेंस किसने क्रिएट किया, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा ने, यानी जो सौर किरणें हैं वो पानी को गर्म कर रही है, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर एनर्जी है वो पानी को गर्म कर रही है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कहीं पे पानी ठंडा कहीं पे गर्म। अब जहां ठंडा है वो पानी इक्वेटर की तरफ आएगा, और जहां पानी गर्म है वो पानी ध्रुवों की तरफ जाएगा, जिसके चलते क्या होता है, ये पानी जो है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, उसका एक फिक्स पैटर्न बन जाता है, और पानी उसी पैटर्न में चलता है जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक है, पानी उसी पैटर्न में चलता है जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं, इस बात को समझना। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जितना भी पानी होता है वो एक निश्चित पथ और निश्चित दिशा में चलता है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होती है, एक होती है प्राथमिक शक्तियां और एक होती है द्वितीय बल। ठीक है,
प्राथमिक क्या है, सौर ऊर्जा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, और दूसरा क्या है, हवा भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, दूसरा हवा का बहना। अब हवा आपने, हमने ये पढ़ा था ना, तो सब लोगों ने हमने ये पढ़ा था कि इस धरती के ऊपर अलग अलग दिशाओं में हवा चल रही है। जैसे यहाँ पे हवाएं कैसे चल रही है, ईस्ट की तरफ, है ना, ईस्टर्लीज को कहा था। फिर ऊपर वाले क्षेत्र में कैसे चल रही है, वेस्ट की तरफ चल रही है ना, वेस्ट की तरफ चल रही है। फिर ऊपर वाले दिशा में फिर से ईस्ट की तरफ चल रही है। ये है जब मैंने आपको पवने करवाई है तब मैंने आपको समझाया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जल धाराएं आप देखोगे इस वाले क्षेत्र में, वो ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि हवा उस दिशा में बह रही है, तो हवा अपने साथ पानी को उसी दिशा में ले जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में आपको वेस्ट की तरफ ये हवाएं दिखेंगी, तो पश्चिम की तरफ पानी को अपने साथ ले जाएंगी। यानी जो बहती हुई हवा है, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ग्रेविटी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, गहराई में ले जाता है पानी को। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र का पानी की लहरें ऐसे चल रही है, तो ऊपर के पानी को वो अपने साथ नीचे ले जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है कि तुम नीचे रहो, यानी पानी को इकट्ठा करके नीचे की तरफ ले जाता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वजह से भी मूवमेंट होती है। तो सबसे पहली मूवमेंट सौर ऊर्जा की वजह से, दूसरी मूवमेंट आप देखो विंड की वजह से, और तीसरी मूवमेंट आपको कहाँ से दिख रही है, ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट दिख रही है। जल्दी से बता दो ये बातें आपको समझ आ गई या नहीं आ गई, फिर हम देखते हैं कौन कौन सी हमको ओशन करंट्स करने हैं। जल्दी बताइए। फिर क्या है कोरियोलिस बल, वो भी इम्पैक्ट डालता है। कोरियोलिस बल क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हर चीज को राइट साइड घुमा देगा, ठीक है, राइट साइड घुमा देगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हर चीज को लेफ्ट साइड घुमा देगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर चीज को, उत्तरी गोलार्ध में हर चीज को सीधी दिशा में राइट साइड घुमा देगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी को लेफ्ट साइड घुमा देगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पानी को लेफ्ट में घुमा देगा, ठीक है। तो कोरियोलिस बल भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है पानी की मूवमेंट के अंदर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द्वितीय फोर्स क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तापमान है, ठंडा वाटर, गर्म पानी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है ना, ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है धाराओं की, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, इस इमेज से आता है, सारा क्वेश्चन कहाँ से आता है, इस इमेज से आता है। अब आपको याद करना है मेरे साथ साथ, चीजों को याद करना है। अब आपको इस बात का पता है कि ये अगर अपनी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर यहां पे क्या है, यहां पे एशिया है, ये यूरोप है, यहां पे अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब आपको ये पता है बीच में क्या है, बीच में है इक्वेटर, बीच में क्या है, बीच में है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। जो ये वाला महासागर है, साथ साथ याद होगा ये, ठीक है, इसीलिए इसका लाइव सेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। ये क्या होता है, ये पैसिफिक ओशियन होता है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इस बात का सबको पता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर में, इसको कहेंगे हम उत्तरी अटलांटिक, और यहां है दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। इसी तरीके से ये क्या है, उत्तरी प्रशांत, ये क्या है, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। इतनी बात समझ आ गई सबको। फिर यहां पे आपको हिंद महासागर दिख जाएगा, यहां आपको इंडियन ओशन, हिंद महासागर दिख जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ आ गई, कौन सा ओशन कहाँ पे है, इसलिए लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके किसके हम करंट्स कर रहे हैं, हम करंट्स कर रहे हैं सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक को, ठीक है। इस उत्तरी अटलांटिक के अंदर कौन कौन से ओशन करंट्स बहते हैं, कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है, पहले उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखते, देखिए जी, हम चलते हैं इस इमेज पर।
दिखाई दे रही है सबको इमेज, सबको इमेज दिखाई दे रही है? इमेज दिखाई दे रही है ना सबको? अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, हम बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की, ठीक है, इस वाले सेक्शन की। अब तुम बिल्कुल ध्यान से याद रखना, मैं बार बार पूछूंगी, अभी तुम्हारा टेस्ट लूंगी इसके साथ साथ। देखो, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो है कोल्ड करंट, जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो है कोल्ड करंट, ठंडा, ठीक है। और जो रेड कलर से आपको दिख रहा है उसको कहते हैं हॉट करंट, गरम जलधारा, ठीक है। थैंक यू सो मच सत्यवान। अब देखिए, ऊपर से कौन सी जलधारा आ रही है? इधर ऊपर से आई लैब्रेडोर, ये कौन सी आ रही है? लैब्रेडोर, क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको, ये कौन सी है? लैब्रेडोर आ रही है, ठीक है। इधर से कौन सी आई? इधर से आई नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कौन सी आ रही है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये याद रखनी है आपको, ये ठंडी है। लैब्राडोर भी ठंडी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है। क्यों ठंडी है? क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, ठीक है। इधर देखो अब ये क्या है, यहाँ पे आपकी इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इक्वेटर है स्टूडेंट्स, ठीक। अब तुम यूं देखो, जो इक्वेटर है, हम कलर थोड़ा अच्छे सा ले लेते हैं जो अपने को दिख जाए साफ। ये आपकी इक्वेटर है बीच में, ठीक, ब्लैक कलर दिख जाए, ये 0 डिग्री है। यहां पे कौन सा करंट है? ये जो चल रहा है, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी भूमध्य सागरीय जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बह रही थी, बह रही थी, बह रही थी, हवाओं के दबाव में आके थोड़ी ऊपर उठती है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या नाम बन जाता है इसका? गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम बन जाता है ये नाम बन गया गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। फिर ये इस तरीके से, मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध में हर चीज कहाँ पे घूमेगी? राइट साइड घूमेगी। नीचे आके इसका नाम क्या हो गया? कैनरी करंट। कैनरी कैसी है? ठंडी है। कैनरी कैसी है? ठंडी है, क्योंकि ये भी ऊपर से आ रही थी, ठीक है। मैं फिर बताती हूँ, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा था, ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है ऊपर से ये ऊपर चली गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ ऊपर चली गई। बिल्कुल ध्यान से समझना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आया, ऊपर उठती हुई ये किसकी तरफ चली गई? गल्फ स्ट्रीम बनाती है, और ऊपर इस तरीके से इसकी 2 शाखाएं बन जाती है, एक ये शाखा बन गई, एक ये शाखा बन गई। ऊपर वाली को हमने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कह दिया, और नीचे वाली को हमने कैनरी कह दिया। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी तो और ज्यादा क्लियर आपको चीजें होंगी, ठीक है। एक बार रुकना, यहाँ पे भी हम देख ले, यस दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल, और लैब्रेडोर आ गई यहां से, ठीक है। यस दिस इज नॉर्वेजियन करंट, यस, उसमें पूरा नहीं दे रखा था। यहां पे देखिए, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा था, ऊपर उठा, क्या बन गया? गल्फ स्ट्रीम बन गया। गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसकी 2 ब्रांचेस जो है वो टूट रही है, एक ब्रांच ऊपर चली गई, एक ब्रांच नीचे चली गई। नीचे वाली ठंडी जलधारा कैनरी के साथ मिल गई, किसके साथ मिल गई? कैनरी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कैनरी के साथ मिल गई, ठीक है। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ऊपर जाके ये देखो नॉर्वे की तरफ जा रही है, तो इसको क्या नाम दे दिया? इसको दे दिया नॉर्वेजियन करंट। क्या नाम दे दिया? नॉर्वेजियन करंट। इधर से कौन सी धारा आ रही है? इधर से आ रही है लैब्रेडोर करंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठंडी जल धारा आ रही है लैब्रेडोर करंट, ठीक है। और ये नॉर्वेजियन करंट है यहाँ पे, ठीक है, और उधर से ये लैब्रेडोर करंट आ रही है। मैं एक बार एक इमेज और देखूं, एक इमेज और थोड़ा सा क्लियर हम लोग करना चाहते हैं इसको।
इसमें बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अभी याद हो जाएगा तुमको, अभी घबराओ मत, अभी पहले नाम से आप रूबरू हो, बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है ये। चलो देखो, ये जो जा रहा है ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो चल रहा है, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला सेक्शन पढ़ना है पहले, ठीक है। हमको ये वाला सेक्शन पढ़ना है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है, ये गल्फ स्ट्रीम बनाता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम बनाता है, एक धारा बनाता है, ये गल्फ वाला रीजन है। गल्फ के आपने बहरीन, कुवैत, इस तरीके के मध्य एशिया के ये देखे हैं ना तुमने, तो ये गल्फ स्ट्रीम बना रहा है। फिर आगे जाके इसकी दो ब्रांचेस हो जाती है, आगे जाके इसकी दो ब्रांचेस हो जाती है, एक होगी इस तरफ और एक हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। दो दो ब्रांचेस बन गए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसका नाम दे दिया, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर से आने वाली कैनरीज करंट के साथ मिल जाती है, दिस इज कैनरी, कैनरी करंट के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था, ये जो ऊपर बढ़ा था, ऊपर इसका नाम हो गया नॉर्वेजियन। क्या नाम हो गया, क्योंकि नॉर्वे के पास है तो नाम दे दिया नॉर्वेजियन। ऊपर से एक ठंडी जलधारा आ रही है लैब्रेडोर, और एक ठंडी जलधारा आ रही है ग्रीनलैंड करंट। कौन सी, ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको और चीजें आसान लगेंगी, अभी इसके अंदर आपको होच पोच लग रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके चीजें समझाती हूँ। देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां से ये आपका मान लीजिए यूरोप वाला सेक्शन चल रहा है, और ये आपका अफ्रीका, ठीक। अब देखो यहां से कौन सी चल रही थी, यहां से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर उठा, ठीक है। ये इस तरीके से, इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम दे दिया, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा, इसकी दो ब्रांचेस बन गई इस तरीके से, ठीक है। जब ब्रांच बनी तो इसको नाम दे दिया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किसके साथ मिल गया, ये जो है आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ठंडी जलधारा, ये जो है ये ठंडी जलधारा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैनरी। क्या नाम है, कैनरी। अब जो ये ऊपर की तरफ शाखा गई थी, इसको क्या नाम दे दिया हमने, नॉर्वेजियन। क्या नाम दे दिया, नॉर्वेजियन, क्यों, क्योंकि वो नॉर्वे के पास है। ऊपर से दो ठंडी जलधाराएं आ रही है, एक आ रही है यहां से, इसका नाम है लैब्रेडोर। क्या नाम है, लैब्रेडोर। और एक इधर से आएगी जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास से आ रही है, ग्रीनलैंड करंट। तो इसमें ठंडी जलधाराएं हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक पढ़ी हम लोगों ने कैनरी, एक पढ़ी लैब्रेडोर, और एक पढ़ी ग्रीनलैंड। बाकी ये जितनी भी है ये सारी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी है ये सारी गर्म जलधाराएं, बताइए अब आपको क्लियर हुआ। और ये जो बीच में बन गया है ना, ये जो गोल गोल बन गया है बीच में, जैसे मैं आपको अलग कलर से दिखाऊं, ये जो बीच में इस तरीके से पूरा गोल गोल ये बन गया है, ये क्या है, इसको कहेंगे जायर कह दो या गायर कह दो, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक गायर। जब एक बहुत सारा पानी बीच में इकट्ठा होके घूम रहा है, सर्कल बन रहा है, तो उसको गायर कहते हैं, या जायर कह दीजिए, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक जायर जो है वो यहाँ पे बन गया है, इसी को ही हम सरगैसो सी के नाम से जानते हैं, सरगैसो सागर, सरगैसो सी। अब देखो ये ऐसा सागर है बीच में जिसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लैंड नहीं, कोई भी लैंड नहीं है। इसीलिए ये सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा एकमात्र सागर है जिसके आसपास कोई भूमि की
सतह ही नहीं है, जिसके आसपास कोई लैंड बाउंड्री ही नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो सरगैसो सी है, और वो कहाँ बन रहा है? वो नॉर्थ अटलांटिक में बन रहा है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई? मैं टेस्ट ले लूँ, आपको समझ आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे, जल्दी से मुझे बता देंगे कौन सा करंट कहाँ पे है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से एक करंट जा रहा है, ये करंट ऊपर उठा, ये करंट ऊपर उठा, ऊपर उठ के इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, इधर से एक आ रही है, इधर से एक आ रही है, ठीक, और ये मिल जाता है। आपको ये बताना है ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, और ये ई क्या है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। फिश प्रोडक्ट के लिए क्यों बेस्ट है वानिता? जहां कहीं भी ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलेंगी ना, वहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत होंगे, वहां पे पोषण तत्व तो बहुत सारे होंगे, जिसके चलते फिश जोन क्रिएट हो जाता है, फिशेज जो है वो वहां पे बहुत सारी हो जाती है। ए नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक नहीं है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है रमिता। नॉर्थ इक्वेटोरियल में, बी गल्फ स्ट्रीम, वेरी गुड, बी क्या है? गल्फ स्ट्रीम। वेरी गुड स्पीकर, फिर ये किसके साथ मिल गया? ये कैनरी के साथ मिल रहा है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऊपर जाके इसका नाम क्या हो गया? सी कैनरी, यस 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 यस, दिस इज नॉर्वेजियन। डी और ई बता दीजिए जल्दी से, डी और ई, बहुत बढ़िया ममता, ई ग्रीनलैंड, वेरी गुड नीतू, ई ग्रीनलैंड, डी, डी क्या है? वेरी गुड, डी इज लैब्रेडोर, वेरी नाइस वेरी नाइस, विजेता रानी, बहुत अच्छा, डी क्या है? लैब्रेडोर। तो आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट याद हो गए। मुझे यूं बताओ इसमें ठंडे कौन कौन से हैं, ठंडी जल धाराएं इसमें कौन कौन सी हैं, जल्दी से बता दो, ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी है, जल्दी से मेंशन कीजिए। ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी हैं? बहुत अच्छा बता रहे हो सब, ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी हैं? लैब्रेडोर है, ग्रीनलैंड है, कैनरी है, ये तो है ठंडी, है ना, और गर्म है बाकी सारी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जी, अब हम चलते हैं इसी के साउथ वाले में, यानी साउथ अटलांटिक में क्या है, अब हम उस पे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं? अब हम साउथ अटलांटिक देखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो क्या है साउथ अटलांटिक में, क्या है उसको देखो, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये मिटेगा नहीं, मैं पता नहीं, चलो पढ़ा रहे हैं। अब देखो क्या है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल में, नॉर्थ साइड नॉर्थ इक्वेटोरियल थी, अब साउथ साइड कौन सी है? साउथ साइड साउथ इक्वेटोरियल आ रही थी, ये जो है ये इस तरीके से साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है। जैसे मैं कहां से शुरू करवाऊं इसको, रुक जाइए, ये जो है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है, ठीक है,
ये साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे की तरफ जाएगा ब्राजील के पास, क्या नाम बन गया? ब्राजील करंट। क्या नाम बन गया? ब्राजील करंट। ठीक है, यहां से साउदर्न साउथ अटलांटिक पानी आ रहा है। कौन सा? साउथ अटलांटिक, जो ऊपर वेनेजुएला करंट के अंदर बदल जाता है। ऊपर कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुएला देश है, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुएला देश है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है साउथ इक्वेटोरियल ऊपर से आ रहा था, नीचे घूमा, वो बन गया ब्राजील करंट। और देखो दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टी दिशा में घूम गए, लेफ्ट साइड घूम गए। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड घूम रहे थे, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे इधर साउथ इक्वेटोरियल आ रहा था, साउथ इक्वेटोरियल नीचे चल के ब्राजील करंट बन गया। ब्राजील करंट इधर से ठंडी जलधारा ये साउथ अटलांटिक से मिलता है, और फिर ये वेनेजुएला का रूप ऊपर की तरफ ले लेता है। एक इसकी ब्रांच ऐसे निकल जाती है, ठीक है, जिसको हम साउथ अटलांटिक करंट ही कह रहे हैं, और एक ब्रांच ऊपर वेनेजुएला के साथ मिल जाती है। तो बहुत आसान है ये, तो देखते हैं कैसे। देखिए जी क्या कह रहा है ये, इधर बताती हूं मैं आप। इधर से आ रहा था साउथ इक्वेटोरियल। कौन सा? साउथ इक्वेटोरियल। ठीक है, नीचे की तरफ आया, क्या बन गया? ब्राजील करंट। क्या बन गया? ब्राजील करंट। ठीक है, ब्राजील करंट आ रहा है। इधर से साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ रही थी। कौन सी? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ रही थी। इसकी दो शाखाएं बन गई, दो शाखाएं बन गई, एक तो ऐसे और एक सीधी चली गई। जो ये वाली शाखा बनी इसकी, उसको कह दिया वेनेजुएला। वेनेजुएला। इस तरीके से ये चक्कर भी जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहां तो ज्यादा है ही नहीं, साउथ इक्वेटोरियल है, ब्राजील है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और वेनेजुएला। ठीक है, तो ये एक पूरा करंट का चक्र बन गया। क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या? इसमें ठंडी और गर्म देख लेते हैं। इसमें ठंडा है सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला। ठीक है, इसमें ठंडा है सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला आपको दिख रहा है, ये ठंडा है, ये वाला ठंडा है, ये कोल्ड है, बाकी सब गर्म थे। बताइए कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? करंट में पानी ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट के अंदर पानी थोड़ा कम होता है। रानी करंट में तो बहुत सारा पानी बहता है, और ड्रिफ्ट में थोड़ा सा कम पानी होता है। जल्दी से थम्स अप दे दो अगर क्लियर हो गया तो, फिर हम पैसिफिक पे चलते हैं, है ना? पैसिफिक पे चलते हैं। अब चलते हैं पैसिफिक ओशन पे। पैसिफिक ओशन क्या कहता है? पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आ गए हम नॉर्थ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक में हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे और ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ पैसिफिक है। आप देखो ये 2D में दिखा रखा है, हमारी अर्थ ऐसे गोल है, ये वाला हिस्सा जाके इस वाले हिस्से के साथ मिल रहा है, ये गोल है पूरा, है ना? ये गोल है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, इधर से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा था, वही करंट जो वहां पे भी गया था, है ना? नॉर्थ इक्वेटोरियल आ रहा था, ऊपर चला यहां जापान के पास, ये कौन सा करंट आ गया? दिस इज कुरोशियो करंट। गरम है ये, ओयाशी और कुरोशियो में कंफ्यूजन होता है। कुरोशियो करंट ये गरम करंट है। इस कुरोशियो के साथ ऊपर से ठंडी जलधारा ओयाशियो मिल रही है, ऊपर से एक ठंडी जलधारा ओयाशियो मिल रही है। कौन सी? ओयाशियो। ठीक है, देखो जापानीज नाम है ना, जापान के पास वाला क्षेत्र है। कौन सा मिल गया? ओयाशियो मिल गया। यानी यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त मछलियों का प्रोडक्शन होता होगा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त, और मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा है जापान मछलियों के उत्पादन से। कुरोशियो
क्रोशियो और ओयाशियो दो करंट मिल रहे हैं। ये क्रोशियो आगे चल के नॉर्थ पैसिफिक में बदल जाती है। किसमें? नॉर्थ पैसिफिक में। अब देखो जो ये नॉर्थ पैसिफिक यहां निकली है, ये यहां दिख रही है आपको नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक नीचे आके कैलिफोर्निया के पास यानी अमेरिका के पास, कैलिफोर्निया के पास क्या बनाती है? दिस इज कैलिफोर्निया करंट, दिस इज कैलिफोर्निया करंट। जिस भी देश के पास है वही नाम ले रहे हैं कैलिफोर्निया करंट। और फिर ये इधर जाके फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल में मिल गई, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ निकल आई। आपको बात समझ आई क्या? आपको बात समझ आई? मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों को? वेरी इजी। देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल चल रहा था, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल आ रहा है, ऊपर चला क्रोशियो, ऊपर से ओयाशियो से मिल गया, इधर ये पैसिफिक करंट था, ये पैसिफिक करंट इधर आ रहा है और ये नीचे बन गया कैलिफोर्निया। बस ये पूरा साइकिल चक्र पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ऊपर से ये इधर इधर एक है, ये अलास्का, अलास्का के पास अलास्का करंट है, गर्म जल धारा है अलास्का। ड्रॉ कर दूं मैं? दिस इज एशिया एंड यूरोप वाला हिस्सा, दिस इज ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, दिस इज नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा, दिस इज साउथ अमेरिका वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो कैसे चल रहा था। देखो यहां से क्या चल रहा था, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा था, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ गए यहाँ, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर बढ़ता है, इसका नाम हो गया कुरोशियो। व्हाट इज दिस? कुरोशियो गर्म जलधारा है। ऊपर से आ गई ओयाशियो ठंडी जलधारा, कौन सी? ओयाशियो, ठीक है। ओयाशियो और कुरोशियो आपस में मिल गए, ये कुरोशियो आगे बढ़ के बन गया पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट इधर निकल आया, नॉर्थ पैसिफिक करंट इधर निकल आया, और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट इधर आके ये क्या नाम बन गया इसका? कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, कैलिफोर्निया। और इधर से एक ये जा रहा है अलास्का, बस इतना सा। नॉर्थ पैसिफिक भी समझ आ गया। अब मैं कुछ जल धाराओं के नाम बोलूंगी, आपको बताना है ये कौन से महासागर में है, आपको बताना है ये कौन से महासागर में है, ठीक है, आपको बताना है। आप मुझे बताएंगे ब्राजीलियन करंट कहाँ है? ब्राजीलियन करंट आपके ऑप्शंस दे रही हूं, नॉर्थ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक में, डी नन ऑफ द अबव में। आपको बताना है ब्राजीलियन करंट कहां पे, जल्दी से बताइए। दूसरा आपको बताना है कैनरी करंट कहाँ है, तीसरा आपको बताना है वेनेजुएला करंट कहाँ है, चौथा आपको बताना है ओयाशियो कहाँ है, पांचवा आपको बताना है कुरोशियो कहाँ है, ठीक है, छठा आपको बताना है गल्फ स्ट्रीम कहाँ है। जल्दी बता दो छह क्वेश्चन के आंसर। ब्राजील का क्या बताया? साउथ अटलांटिक, बहुत बढ़िया। इसका ऑप्शन है ए, ठीक है ना, बी। फिर कैनरी, कैनरी कैनरी कहाँ है? कैनरी करंट नॉर्थ अटलांटिक, बहुत बढ़िया, ये आ गया ए ऑप्शन। वेनेजुएला कहाँ है? वेनेजुएला, वेनेजुएला करंट, नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में वेनेजुएला था। हाँ साउथ अटलांटिक में है वेनेजुएला, साउथ अटलांटिक में। ओयाशियो कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक में। कुरोशियो कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक में। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक में।
इमेज बननी चाहिए दिमाग में। जैसे ही मैंने बोला गल्फ स्ट्रीम, तो आपको वो घूमता हुआ ऐसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से ऊपर जा रहा है, इमेज अगर नहीं बन रही तो कोई फायदा ही नहीं है तुम्हारे पैसे खर्च करने का, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए अगर आप इमेज नहीं बना पा रहे हो तो। इट्स नॉट वेनेजुएला, इट्स बेनेगोला। स्पीक अप। अच्छा ये छह नाम मैंने लिखे हुए हैं, यू बताना इसमें से ठंडी जल धाराएं कौन सी है, इनमें से ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी है। ठंडी बता दो, कैनरी ठंडी है, ओयाशियो ठंडा है, और कौन सी ठंडी है। वेनेजुएला, वेरी गुड, दिस इज गुड। चलो अभी आगे चलते हैं, हमारे ये हो गए है ना, हो चुके हैं प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, अब हम दक्षिणी प्रशांत पे चलेंगे। कहाँ? दक्षिणी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत में क्या है देख लेते हैं। दक्षिणी प्रशांत, अब देखो ये जा रहा था आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, कौन सा? साउथ इक्वेटोरियल, ये यहां निकल आया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में करंट बन गया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में करंट बन गया, उसको हम क्या कहेंगे? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, इसके ईस्ट में है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट इस तरीके से घूम गया, ठीक, ये इधर निकल आया साउथ पैसिफिक करंट के नाम से, और ये पेरू के पास, दिस इज पेरू, यहाँ पेरू नाम का देश है जिसकी वजह से एल नीनो ला नीना हम पढ़ेंगे। अब ये ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो ये ठंडी जल धाराओं के रूप में पेरू नाम का पेरू नाम इसका हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या देखा हमने, इधर से साउथ इक्वेटोरियल आ रहा था, साउथ इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल आ रहा है, ठीक है, इधर से चला साउथ इक्वेटोरियल, ये इधर निकल आया साउथ इक्वेटोरियल, अब नीचे की तरफ गया तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बना दिया, अब इधर जा रहा है ये, ठीक है, इधर से साउथ पैसिफिक नाम दिया इसको, ऊपर बढ़ा पेरू बन गया, बस ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, क्या है, इधर से आ रहा था साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये इधर निकल आया साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये क्या बन गया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अभी इधर चला, दिस इज साउथ पैसिफिक करंट, ये साउथ पैसिफिक इधर निकल आया, ठीक है, साउथ पैसिफिक इधर निकल आया, साउथ पैसिफिक ऊपर चढ़ा, क्या नाम बन गया इसका, ये क्या है, पेरू करंट, कौन सा, पेरू, दिस इज पेरू करंट। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के करंट थे, समझ गए। आसान है,
अब हम कर लेते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या कहता है? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, जल्दी से थाम्स अप दो। यस सरबजीत, साउथ इक्वेटोरियल, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक, पेरू। बस ठीक है, अब आ जाओ तुम हिंद महासागर में। मैं आपको कौन से एरिया में लेके चल रही हूँ? हिंद महासागर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये रहा आपका हिंद महासागर, ठीक है। दिस इज आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से करंट हैं देख लेते हैं। कहाँ से शुरू करें इसको? रुक जाइए। इधर देखो, यह है साउथ इक्वेटोरियल करंट, यह है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। नीचे चला मोजाम्बिक के पास, ये बन गया मोजाम्बिक करंट। कौन सा? मोजाम्बिक। इधर से ये उत्तर से आ रहा है ओगलस करंट। ओगलस बहुत पूछा जाता है कि ओगलस करंट कौन से महासागर में है। ओगलस करंट, ये मोजाम्बिक करंट मुड़ के इधर, ये साउथ इंडियन करंट। क्योंकि देखो क्या हो रहा था, यहां से आपकी साउथ साउथ अटलांटिक जो है वो धारा चल रही है, यानी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे इसके दो टुकड़े हो गए, एक तो ये ऐसे सीधी चली गई, एक ऊपर चली गई। ऊपर ही साउथ इंडियन करंट, क्या नाम दिया? साउथ इंडियन करंट। ये साउथ इंडियन करंट ऊपर चलता है, दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये वेस्ट में पड़ गया ना ऑस्ट्रेलिया के। इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट है, तो इसको नाम क्या दे दिया? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। फिर ये साउथ इक्वेटोरियल के साथ मिल गया, इधर मोजाम्बिक, इधर ऊपर से ओगलस आ रही है। ये इस तरीके से साउथ इंडियन करंट के साथ मिलके वेस्टर्न, साउथ इक्वेटोरियल, मोजाम्बिक, ऊपर से ओगलस, फिर से साउथ इंडियन, इस तरीके से ये एक चक्र बन रहा है। बहुत आसान है, आपसे सबसे ज्यादा ओगलस पूछा जाता है कि ओगलस करंट कौन से महासागर के अंदर है। तो आप 1 मिनट में बता दोगे, जी ये तो इंडियन ओशियन का करंट है और ये तो गर्म करंट है, ये तो हॉट करंट है, ठीक है, गर्म करंट है। मोजाम्बिक भी गर्म है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ठंडा है, दैट इज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखो ये नीचे से आने वाले सारे करंट ठंडे हैं। आपने एक चीज नोटिस कर, आप एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना आपको? देखो ये वाली धारा ऊपर जा रही है, यानी ध्रुव के पास से आ रही है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठंडी है। ये भी नीचे से ऊपर जा रही है, वेनेजुएला करंट ठंडा है क्योंकि ध्रुव पे से आ रही है। ये भी नीचे से ऊपर जा रही है, पेरू ठंडी है, इस वजह से ये भी ध्रुवों के पास से आ रही है, ठीक है। उधर ऊपर से आने वाली, ध्रुवों के पास से आने वाली ओयाशियो ठंडी है, लैब्रेडोर और ग्रीनलैंड ठंडा है, ठीक है। कैलिफोर्निया ऊपर से आ रहा है, वो भी ठंडा है। तो आप देखोगे जो पोल्स के पास से धाराएं आ रही है वो ठंडी धाराएं हैं, और जो इक्वेटर के पास से धाराएं जा रही है वो गर्म धाराएं, वो गर्म धाराएं, ठीक है। तो इंडियन ओशन की धाराएं भी आपको याद हो गई होंगी, साउथ इक्वेटोरियल, मोजाम्बिक, साउथ इंडियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है यहाँ पे? देखिए क्या कह रहा है ये, इधर से साउथ इक्वेटोरियल आ रहा था, ये नीचे आके मोजाम्बिक बन जाती है, मोजाम्बिक, ठीक है। ये साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, ये जो है इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर से आ रही थी आपकी ओगलस, अगुलास कह दो या ओगलस कह दो, कोई इसको अगुलास भी कहता है, वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इंडियन ओशियन हो गया, और ये आपके सारे करंट हो गए खत्म। ये ओशियन करंट थे जो आपको याद रखने हैं हमेशा, ये आप देख लोगे यहाँ पे, ये सब दे रखा है। ओगलस करंट है, ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट थी, ये लैब्रेडोर करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, अलास्का करंट है। ये सब करंट्स जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा आसान करके पढ़ लिया। तो अब करंट हो गए खत्म, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। अब दो चीज पूछी जाती है आपसे, एब और फ्लो क्या होता है? एब का मतलब उतार,
और फ्लो या फ्लड का मतलब प्रवाह या बाढ़। अब देखो, जब कभी भी ज्वार हाई है, ऊपर बढ़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या कहता है? हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो अंतर है, जब पानी नीचे गिर रहा है, जब पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऐप। जब पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इसको कहेंगे ऐप। और लो टाइड से जब ये फिर से हाई टाइड पे जा रहा है, मतलब अब जब पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो या फ्लड। फ्लो या फ्लड, ठीक है। जब पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हमने कहा उतार हो रहा है, पानी उतर रहा है, यानी एब कहते हैं इंग्लिश में, वाटर इज फॉलिंग, पानी का स्तर गिर रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ज्वार बढ़ रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे चैप्टर में, हमने सारी कर ली। आपका ओशनोग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अंदर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, बट हमने अभी तक किए नहीं है, एल नीनो और ला नीना। ये क्या है? इसको मैं जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी ना, क्योंकि भारतीय मानसून के लिए बहुत जरूरी है, अपने को ये तब करने होंगे, ठीक है, तब करने होंगे। तो अब ये दो चैप्टर है स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर जीवन, इकोलॉजी। वैसे तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप बड़े प्यार से समझ सकते हैं, पर मैं एक बार मोटा मोटा सारा बता दूंगी कल की क्लास में। मैं इन दोनों चैप्टर को भी कंप्लीट करवा दूंगी इकट्ठा, ठीक है। क्योंकि ये पूछ लेते हैं रेयर स्पीसीज क्या होती है और वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है, तो हम इसको कल की क्लास में दोनों को इकट्ठा करके इस बुक को खत्म कर देंगे, ठीक है। पर आप ये चैप्टर पढ़ के रखना लास्ट वाले। और ये बहुत बड़ी किताब थी, हमें समय ज्यादा लगा है। जो क्लास 12वीं की ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो हमारी परसों से शुरू हो जाएगी, और उसमें मैं 3 दिन लूंगी आप लोगों का, ठीक है। इट विल बी जस्ट लाइक मैराथन, वो थोड़ी ज्यादा ज्यादा हमको पढ़नी होगी। 80 पेजेस की बुक है, और वो हमें थोड़ी सी जल्दी खत्म करनी होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं, यही है कहीं इंसान रहता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है, वहां की हवा कैसी है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, खेती कैसी है, बिजनेस कैसा हो सकता है वहां पे, ठीक है। कहीं पे जनसंख्या कम क्यों होती है, जनसंख्या आप निकालते कैसे हो, जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं, इस तरीके से सवाल जो है उसमें से बनते हैं। तो वो जो 80 पेजेस की बुक है, वो हम 3 डेज में कंप्लीट या 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे, 20 पेजेस अ डे करके, ठीक है। तो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। ये आपकी ओशनोग्राफी आज पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट है। आपको कहीं और से पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ 11वीं की बुक को ही रिकमेंड करेंगे, 11वीं की ही बुक आपको रिवाइज करनी है, और कोई किताब आपको देखनी भी नहीं। क्वेश्चंस करो भर भर के, लेकिन बुक का जो कंटेंट है वो आपको सिर्फ 11वीं का ही फॉलो करना है। बेशक आप चंडीगढ़ का पेपर दे रहे हो, आप DSSS भी दे रहे हो, आप EMRS दे रहे हो, आप UPSC में बैठ रहे हो, CDS का पेपर है, SSC का पेपर है, इस किताब से बाहर पेपर नहीं आता। कौन सी बुक कराएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद? ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद हम 11वीं की दूसरी बुक जो है इंडियन ज्योग्राफी की, उसको करेंगे। और कहोगे तो बीच में पॉलिटी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। आज रात में 9:15 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं फिर, ठीक है। कुछ टॉपिक्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स से क्वेश्चन लाऊंगी, जिसमें ज्योग्राफी के भी होंगे, पॉलिटी के भी होंगे, इन सब के होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को एंड कर रही हूँ। हाँ, ऐड कर देंगे ना ज्योति, कोई इशू नहीं है। अभी प्रिंट होने दो, मैंने उसको ट्रांसलेट होने दिया है ना, अभी तुम्हारी 11वीं खत्म होगी तब तक हम ट्रांसलेट होने दिया है उसको, वो टाइपिस्ट जो है वो ट्रांसलेट कर देगा, और फिर आप लोगों को मैं दे दूंगी, ठीक है।